इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। लेकिन उसके नतीजे में हुआ क्या कि हमारे जो दुश्मन हैं, हम पहले तो ये समझें कि हमारा कोई यहूदी और कोई ईसाई हमारा दोस्त नहीं हो सकता। मुसलमानों को ये समझ, जब तक आप मुसलमान हैं आपको मुसलमान होने की सज़ा दी जाएगी और पाकिस्तान को न्यूक्लियर होने की सज़ा भी दी जाएगी किसी न किसी सूरत में। उस 65 के बाद आप देखें क्या हुआ है। आप अलजज़ायर से शुरू हो जाएं, अहमद बिन बेला के साथ क्या हुआ, इंडोनेशिया में अहमद सुकारनो के साथ क्या हुआ, गिनते जाएं। उसके बाद सऊदी अरब के जिन मुल्कों ने आपका साथ दिया था, जिन मुल्कों ने ये साबित किया था कि मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकते हैं, एक एक मुल्क में बगावत हुई, एक एक मुल्क में वो लीडरशिप जो समझती थी इस चीज़ को, जो हम इकट्ठे होकर कुछ कर सकते हैं। ये तो बाद की बात है, मैं तो 65 की जंग की बात करूँ। हाँ, जिन लोगों ने पाकिस्तान, ये एक तारीख है, रसूल बरही साहब चूंकि उनकी फील्ड है वो बता सकते हैं कि एक एक शख्स को निशाना, इबरतनाक निशाना बनाया गया अयूब खान समेत, कि ये दोबारा सर न उठा सके। फिर 73 की आपकी जंग होती है, आपकी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें जो लोग शरीक थे, आगे आगे थे, उनके साथ जो सलूक हुआ वो भी आपके सामने है। तो इसलिए हमने वो मुस्लिम उम्मा का तसव्वुर जो था, दुश्मन तो उसको ख़त्म करना चाहता था, हमने ख़ुद भी उसको ख़त्म किया, उसको लीडरशिप, कमज़ोर लीडरशिप यहाँ लाए। हमने इस कहा कि नहीं जी, माशी मफादात अहम होते हैं, ये अकीदा, मज़हब, सकाफत, ये तो बेमानी चीज़ें हैं, बस ये माशी मफादात होंगे आपके, आप तो अच्छा माशी मजबूती का क्या मामला है जी। आपके सिर्फ एक पॉइंट है मुसलमानों के पास कि आप 1 अरब 40 या 45 करोड़ का आपकी मार्केट है जी, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप उठाने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि आप मुत्तहद ही नहीं हैं। सऊदी अरब के नज़दीक इसराइल से बड़ा दुश्मन उनका अरबों के नज़दीक वो ईरान है जी, ये हमारी वो है। पाकिस्तान के मुकाबले में उनके लिए इंडिया जो है वो बेहतर है क्योंकि वहाँ इकॉनमी के भी मसाइल उनके हल होते हैं और ऐशो इशरत के मसाइल भी उनके हल होते हैं। तो जब ये सोच होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बेबस भी हो जाते हैं, बेहिस भी नहीं है। एक पहली बात है कि दोनों ममालिक में कोई कंपैरिजन नहीं है मिलिट्री माइट का। इसराइल एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है और अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी है, उनके पास जो एयरफोर्स है उसका मुकाबला पूरे मिडल ईस्ट में किसी का नहीं है। तो मिलिट्री और फिर उसको जो मुआशी और पॉलिटिकल बैकिंग है वो, उसका भी अगेन कोई मुकाबला नहीं है। तो है ये यकतरफा यूज़ ऑफ पावर है और इसका मुकाबला नहीं है, लेकिन हमास अपनी गैरत की वजह से वो इसका जवाब ज़रूर देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते इस जुल्म को और एक ऐलान करते रहते हैं कि हम आपकी इस ताकत के आगे न झुकेंगे, न अपने हकूक से दस्तबरदार होंगे, न हम पीछे हटेंगे। लेकिन अमूमन ये रिटेलिएशन उनको बहुत भारी पड़ती है ह्यूमन लॉसेस और फाइनेंशियल लॉसेस और मटेरियल लॉसेस की सूरत में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब ऑप्शन ये है कि क्या वो रिटेलिएट ना करें तो क्या इजराइल ये सब जुल्म करने छोड़ देगा, द आंसर इज नो। और अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो क्या वो इजराइल को रोक पाए हैं, अनफॉर्चुनेटली इसका जवाब भी है कि इस रिटेलिएशन से इजराइल रुकता नहीं है, क्योंकि इजराइल को जिन कवानीन ने नकेल डालनी है वो एक वीटो पार की नोक पे हैं, एक ठोकर पे हैं। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली मिलकर इसराइल को कोई किसी भी उनके पास किए हुए रेजोल्यूशन पर अमल दरामद के लिए मजबूर ना कर सकें और कोई प्यूनिटिव एक्शन बावजूद वीटो पार न ले सकें, तो इस अदारे का वजूद में होना न होना इसराइल के लिए एक जैसा है। मिलिटरीली वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। मोरालिटी, जैसे पहले मैंने कहा, मोरालिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या पार पॉलिटिक्स में।
तो जब ये सब नहीं है तो एक तरफ एक मजलूम कौम है और एक तरफ एक जालिम और जाबिर हुकूमत है जो जब चाहे उनकी नस्ल कुशी करे और करती आ रही है, उनका मटेरियल डैमेज करे, पॉलिटिकल डैमेज करे। और जो नेबर्स हैं, जैसे पहले मेरे ख्याल में तमाम लोग ही इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अरब वर्ल्ड में यूनिटी नहीं है। और अरब वर्ल्ड ने जिस तरीके से जब हाइड्रोपावर जो थी, हाइड्रोकार्बन पावर या पेट्रोल पावर जिसे कहें, उसका भी दुरुस्त इस्तेमाल नहीं कर सका और उसको डॉलर के साथ लिंक करके अपने आप को अमेरिकन पॉलिटिक्स के आगे गिरवी रख दिया, अमेरिकन मुईशत के आगे गिरवी रख दिया। और आज भी वो ये जुर्रत नहीं कर रहे कि इसका ट्रेड शुरू करें हर उस मुल्क की करेंसी में जो उनसे खरीद रहा है। इसकी जरूरत वो आज भी नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि हमारी हुकूमत टॉपल कर दी जाएगी। तो जब इक्तदार से चिमटे रहना ही अव्वलीन मकसद हो, अपने खानदानी हुकूमतों को तहफ़ देना ही अव्वलीन मकसद हो, और फिर अपनी मईशत जो मजबूत मईशत है, मेरे कुछ दोस्तों ने पाकिस्तान की मईशत की बात की, ये दुरुस्त जो बात वो कह रहे हैं दुरुस्त है। और हमारी लीडरशिप ज़हनी तौर पर गुलाम है, उनकी लीडरशिप ज़हनी और अपने आप को मौशी तौर पे भी मजीद गुलाम बना चुकी है क्योंकि उन्होंने कभी अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश ही नहीं की है। तो बड़ा मायूस कुन सूरत हाल है और मुझे ये बात करते हुए शर्म भी आती है, अफसोस भी होता है कि इतनी मायूसी की बात करना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुझे नहीं लगता कि अरब कभी मुतहद होंगे और एक आलमी जिहाद वेज करेंगे इसराइल के अगेंस्ट, और इसी तरह आइसोलेटेड एक एक करके वो सजा भी भुगतते रहेंगे और उनका जो अंजाम है वो भी हमारे सामने। सही है रसूल पाक शाही साहब, ये अरब ममालिक जो हैं ये क्या सिर्फ इसलिए फलस्तीन के साथ खड़े हों कि जी वो एक मुस्लिम मुल्क है और इसलिए उनको खड़ा होना चाहिए, उनकी मुआशी मुफादात जो हैं क्या उनको इस पर नहीं घुसा सकते कि वो कुछ ऑल्टरनेट प्लान्स बनाएं? या जैसे अब हाल ही में जिन अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है वो इसको दो ममालिक का एक कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं, दो कम्युनिटीज का एक कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं, आपके ख्याल में अरब ममालिक सिर्फ खौफ का शिकार होकर या मुआशी मुफादात की वजह से साथ नहीं देना चाहते फलस्तीन का? मेरा ख्याल ये है कि अगर हम जायजा लें कि दूसरी जंग पहली जंग अजीम के दौरान यहाँ अरब खित्ता जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था उसके अंदर जो एक खल्फशार पैदा हुआ और एक इतिहाद, बहुत बड़ा इतिहाद तुर्कों का और अरबों का, फलस्तीनियों का, के जो यूरोप है उसके किनारों और साहलों से लेकर यमन के साहलों तक ये हर तरफ से एक इतिहाद था इन तमाम इलाकों का, वो कैसे तोड़ा गया कि यहाँ पर ख़त्म हो गया है और आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो के बारे में बात। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया की सिचुएशन में बता दूँ, इंडिया के सोशल मीडिया में तो आपको पता है हो क्या रहा है। एक तरफ इसराइल को लेकर ऐसा रोना रोया जा रहा है ऑब्वियसली मुस्लिम लोग के द्वारा, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका इन देशों के मुसलमान इतना ज़्यादा रो रहे हैं इसराइल के लिए कि आप विश्वास मानिए जैसे इनके घर में मातम हो गया हो। भारत की इसराइल से डिस्टेंस है, इसराइल फिलिस्तीन से डिस्टेंस है लगभग 450 किलोमीटर, लेकिन आप समझ सकते हो मामला क्या है। यहाँ शायद उनके पड़ोस में कोरोना से कोई मर गया हो तो उसमें इतना ना रो रहे होंगे जितना इसराइल को लेकर रोना रो रहे हैं। और गाइज आपको बता दें कि बेसिकली ये मामला शुरू हुआ था जब अलास्का मस्जिद में पत्थर लाए गए और नमाज़ पढ़ने के बाद इजरायली फोर्सेस पर पत्थर बरसाए गए, उसके बाद से पूरा मामला ये शुरू हुआ। बेसिकली ये है तो बहुत पुराना मामला, लेकिन फिलिस्तीन के लोग कुछ चाह रहे थे ऐसा करना जिससे कि इंटरनेशनली एक बार फिर से उनका मुद्दा आ जाए सारी मीडिया में। और इसराइल को आप ऐसा ना समझें कि इसराइल पर अगर आप पत्थर बरसाएंगे, रॉकेट बरसाएंगे तो वो शांति से सह लेगा, वो सहने वाला नहीं है, वो एक का बदला 100 से लेता है, उसकी पुरानी हिस्ट्री है ये। तो उन्होंने इस बार भी वैसा ही किया, उन्होंने 2500 रॉकेट दागे होंगे तो 2500 रॉकेट के चक्कर में उन्होंने 25 से ज़्यादा बिल्डिंगें उड़ा दी। आप समझ रहे हो दोस्तों इस तरीके का हाल किया है। और वो छोड़ ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है इसराइल में एक इंडियन लेडी भी मारी गई है केरल की, वो आज शायद उसका मतलब जो पार्थिव शरीर है वो भारत आ चुका है।
तो इस तरीके के इसराइल के भी बहुत सारे लोग मरे हैं। इसराइल का आपको पता है एक का 100 के साथ वो मिक्सचर करते हैं, तो उनके अगर दो भी मरे होंगे तो वो फिलिस्तीन के 200 तो मार के छोड़ेंगे और जो जो टेररिस्ट होंगे उनको भी अटैक करेंगे। लेकिन फिलिस्तीन को लेकर OIC का आज एक सम्मिट हुआ और सम्मिट में एक चीज़ सामने आ गई कि मुस्लिम मुल्क कुछ नहीं करने वाले, मुस्लिम मुल्क चूड़ियाँ पहने हुए हैं, कुछ नहीं करने वाले। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, टर्की पाकिस्तान का रूहानी बाप, मुस्लिम उम्मा आपको पता है आइडियल मुस्लिम उम्मा फॉर एवरी जो भी सब कॉन्टिनेंट के हैं मुस्लिम, और ईरान, ये तीन बेसिकली जो हैं इसराइल के ख़िलाफ़ बड़बड़ करते हैं। तो इनको फ़ौज बनानी चाहिए, इसराइल पर ले जानी चाहिए, दम है तो जाओ। सऊदी अरब ने तो पहले ही बोल दिया कि भैया ये मुद्दा पॉलिटिकली आप बैठ कर सॉल्व कर लो, हमें ज़्यादा इससे कुछ लेना देना है नहीं। तो ये तीन देश हैं, अब देखते हैं ये तीन देश, अभी तो मुस्लिम उम्मा में इनकी फट गई है, फट के हाथ में आ गई है और बोल रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार इसराइल है, ये है वो है, दुनिया साथ आए ये, और वही आप समझ सकते हो जो ट्विटर पर वॉर लड़ी जाती है, ट्विटर पर कैसी वॉर लड़ी जाती है, वही वाली वॉर इनके OIC सम्मिट में हो गई है। अगर चाहते तो पाकिस्तान टर्की और ईरान मिलकर एक फ़ौज बनाकर ले जाते ना, हमला करते इसराइल पर, तो शायद इनको समझ में आ जाती इनकी औकात। तो गाइज़ अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, जिनको लेकर लिबरल राइट लेफ्ट विंगर काफ़ी खुश हो रहे थे, उन्होंने भी क्लियरली बोल दिया कि इसराइल को हक है अपना डिफेंड करने का और उन्होंने समर्थन कर दिया इसराइल का। तो अब तो और दुनिया वालों की किसी की दम नहीं पड़ेगी, जब अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा हो गया तो किसकी दम पड़ेगी इसराइल के ख़िलाफ़ बोलने की। तो ऑब्वियसली मुस्लिम उम्मा इन बैकफुट, तो फिर ख़त्म कहानी। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे कि मतलब यहूदी और क्रिश्चियन हमारे क्या कहते हैं दोस्त नहीं हो सकते, ये कहीं से इन्होंने कुरान का कोट किया था, इस तरीके के कोट करते रहते हैं लोग। तो आप बात आप समझो, इस तरीके की अगर आप चीज़ें सीखोगे बचपन से कि आपका ये दोस्त नहीं रह सकता वो दोस्त नहीं रह सकता, तो फिर आपके अंदर तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आएंगे गाइज़। तो ये वीडियो गाइज़ होता है यहाँ पर ख़त्म। इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए।